कर्नाटक में फिलहाल 24 मई तक लॉकडाउन है, आंध्र प्रदेश में 19 मई तक और तेलंगाना में 22 मई तक लॉकडाउन है। तीनों ही राज्यों की सीमाओं पर सख्ती है, लेकिन तेलंगाना के बॉर्डर पर कड़ाई का हाल यह है कि वहां एम्बुलेंस को भी सीमा पर रोक दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से कोरोना के मरीजों को लेकर तेलंगाना आ रही करीब 20 एम्बुलेंस को बॉर्डर पर रोक दिया गया है। आंध्र के ही पश्चिम गोदावरी जिले के एक मरीज को लेकर हैदराबाद आ रही एम्बुलेंस को सुबह 6 बजे तेलंगाना सीमा के एक पोस्ट पर, कोदाड़ा चेक पोस्ट पर रोक दिया गया। जिन एम्बुलेंस को रोका जा रहा है उनसे कहा जा रहा है कि वो या तो अस्पताल के कागजात दिखाएं या फिर डॉक्टर से बात कराएं। उन मरीजों को छोड़ दिया जा रहा है जो जरूरी पेपर दिखा पा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से उन लोगों को भी परेशानी तो हो रही है जिन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है। अब फिक्र ब्लैक फंगस नाम की उस बीमारी की जो कोरोना से ठीक होने के बाद फैल रही है और जिससे जबड़ा, नाक, आंख या जान तक गंवानी पड़ जा रही है। अभी तक ये बीमारी 10 राज्यों में दस्तक दे चुकी है। म्यूकोरमाइकोसिस के सबसे ज्यादा केसेस गुजरात में सामने आए। इसके अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा से भी इसके मामले आए। एक तरफ देश में कोरोना संक्रमण काफी तेज है तो दूसरी ओर कोरोना को मात देकर लौटे लोगों के लिए एक अच्छी बल्कि एक नई मुसीबत सामने आ गई है और यह हैरान करने वाली दिक्कतें हैं। कोरोना से ज्यादा घातक और नुकसानदायक है यह मुसीबत। आखिर कितनी घातक है म्यूकोरमाइकोसिस? कोरोना पेशेंट के लिए यह बीमारी जानलेवा क्यों बनती जा रही है और क्या है इसका इलाज? इससे जुड़ी सारी अहम जानकारी देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार पांडे की इस खास रिपोर्ट में। इन अस्पतालों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर कितनी खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। इन अस्पतालों में रोज लाखों लोग संक्रमण के शिकार होकर पहुंच रहे हैं और लाखों लोग ठीक होकर अपने घरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी कोरोना अपने शिकार को नहीं छोड़ रहा। इस महामारी को और भी भयावह बना रहा है म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी, जो कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को शिकार बना रही है और कई मामलों में जानलेवा भी साबित हो रही है। म्यूकोरमाइकोसिस से जुड़ी हर अहम जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों तक पहुंचे, इसके लिए हमारी टीम मुंबई के उन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तक पहुंची जो ये बता सकते थे कि आखिर पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस का संक्रमण कैसे हो रहा है जो लोगों के दांत और जबड़े में फैल रहा है, कैसे जबड़े से साइनस, आंख और फिर ब्रेन तक पहुंचता है। आपको बता दें कि दांत की बीमारी से जुड़े कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें पहले कोविड हुआ और अब ब्लैक फंगस के सिम्टम्स मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस होने पर दांतों में तेज दर्द होता है और फिर मुंह से बदबू आने लगती है, सिर दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। जो मरीज कोविड की बीमारी को मात देकर घर लौट रहे हैं लेकिन जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है या फिर एस्ट्रॉइड या एंटीबायोटिक दवाएं लेने से जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, उन पर ब्लैक फंगस का हमला बहुत तेजी से हो रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस नामक फंगस लोगों के शरीर पर अटैक कर रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर लोगों की आंख चली गई, जबड़े निकाले गए। आखिर क्या है ये म्यूकोरमाइकोसिस, किस तरह से ये कोविड जो पेशेंट्स होते हैं जब वो ठीक होकर पहुंचते हैं तो उन्हें अटैक करता है, इसकी पूरी जो डिटेल है हम इसे समझेंगे। डॉक्टर शर्मिला हमारे साथ हैं। म्यूकोरमाइकोसिस एक, जिसे हम कॉमन मैन लैंग्वेज में ब्लैक फंगस भी कहते हैं, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसको अपॉर्चुनिस्टिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऐसे पेशेंट्स को अटैक करता है जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति जो है, इम्यूनिटी, वो बहुत लो हो चुकी होती है। इनमें से कई हैवीली डायबिटिक होते हैं और लंबे समय तक या तो ICU में वक्त गुजार के आए होते हैं जहाँ पे उनको ऑक्सीजन वगैरह लगी होती है, तरह तरह के मेडिकेशंस होते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं और भी अलग तरीके के मेडिकेशंस होते हैं जो उस वक्त जान बचाने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन पेशेंट की इम्यूनिटी को बहुत लो हो जाती है जिसकी वजह से ब्लैक फंगस नामक ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अटैक करता है। मुंबई के ENT सर्जन कोविड संक्रमण के इस आफ्टर इफेक्ट को लेकर बहुत चिंतित हैं। म्यूकोरमाइकोसिस का फंगल वैसे तो हवा और नमी में होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट, धूल, मिट्टी वाले इलाके, खेत खलिहानों, बगीचों, तालाब और जहां गंदा पानी हो वहां ज्यादा पाया जाता है। देश में तेजी से फैल रहा यह संक्रमण महाराष्ट्र के गाँवों में भी पोस्ट कोविड मरीजों को ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर शर्मिला ने हमें बताया कि कुछ दिन पहले औरंगाबाद के एक ऐसे ही मरीज ने उनसे संपर्क किया था जिसे कोरोना से उभरने के बाद दांत में दर्द हुआ और उसी दिन शाम तक मरीज की जांच करके ब्लैक फंगस का पता लगा लिया गया और आखिरकार मरीज का पूरा जबड़ा ही बाहर निकालना पड़ा।
बात तो है मास्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना समझें कि मैं कोविड को देकर मात देकर अगर आया हूँ तो मैं मास्क निकाल सकता हूँ। डबल मास्क का होना घर पे भी और बाहर भी। सब्जियाँ और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, अंडे खाएं, इस तरह की चीज़ें। शुगर बिल्कुल बंद और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम, इस तरह का खाना खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। दूसरा, कुछ ऐसी जगहों को अवॉइड करें, अपनी सेहत पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। इमीडिएटली बाहर जाके एक्सरसाइज करना, लोगों में घूमना फिरना, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाना, लेबर वाले काम करना या धूल मिट्टी में काम करना, सॉइल में काम करना जैसे गार्डनिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पे। ब्लैक फंगस का इलाज कर रहे एक्सपर्ट्स से हमें पता चला कि कोविड होने के बाद जब रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए या मरीज ठीक हो जाए तब भी 2 महीने तक ज़्यादा शारीरिक मेहनत या जिम नहीं करनी चाहिए। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, चिंता रहित जीवन जीना चाहिए, शुगर और बीपी को नियंत्रित रखना चाहिए। हम जिस डेंटल ओटी थिएटर में पहुंचे थे उसमें पूरी पीपीई किट पहनकर और हाइजीन की एसओपी का पालन करते हुए अंदर गए थे। डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ ने भी पीपीई किट पहना हुआ था। उसी ओटी डायग्नोसिस रूम के डॉक्टर शिरीष कुलकर्णी ने हमें एक डेमो देकर बताया कि इस बीमारी की पहचान कैसे की जाती है। दांत की कोई वजह नहीं है इसको पेन होने की, फिर भी इसको पेन हो रहा है, तो ऐसे जो लोगों को हम स्कैन के जरिए स्कैन करवाते हैं और फिर वो डायग्नोसिस पे आते हैं। स्कैन में क्या पता चलता है सर? स्कैन में हमको ये पता चलता है कि उसका बोन इरोड हो चुका है, बोन को डैमेज हो रहा है, और बोन को जनरली डैमेज कोई ऐसी चीज करती है जिसमें मतलब सीरियस बीमारी ही कर सकती है। और कोविड पेशेंट में म्यूकर माइकोसिस की अभी जो ये बीमारी है ये सबसे सीरियस मानी जाती है। तो जैसे ही पेशेंट की कंप्लेंट पेन वाली आए हो और साइमल्टेनियसली उसको काले धब्बे हो और उसका स्कैन अगर में इरोजन दिख रहा है बोन का, तो हम तुरंत डायग्नोसिस पे आते हैं और वो तुरंत इलाज करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर शिरीष ने बीते कुछ दिनों में 15 से ज्यादा मरीजों में म्यूकोर माइकोसिस डायग्नोस किया है और उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के पहले ये मामले बिल्कुल ना के बराबर थे। ऐसे में कोरोना से ठीक होकर लौटे लोग अपने खान पान और कोविड के नियमों का पालन करते रहेंगे तो वो इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।